कहाँ थे तुम? ऐसे पूछ रहा जैसे मैं भाग गई थी किसी के साथ। थोड़ी देर रुक जाओ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर भाग जाना। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? बेटे को माँ से बात करने की तमीज नहीं है। मैं तो सिंपैथी वोट लेके चला जाऊँ, बुरी तो तुम ही बनोगी। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू। जैसे धीरे धीरे करके मेरे कानपुर, हाथपुर, जबलपुर में हड़ताल होने लगेगी ना, पता ना मेरे पास होते हुए। सारी मशीनें क्यों लगा कर? मैंने उसकी डॉक्टरी को ललकार दिया, इसीलिए डेकोरेशन। अम्मा तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ। जब भी उसने मुझसे कुछ मांगा है तो मैंने उससे दिया है, लेकिन ये मैं उसे नहीं दे सकती। अपनी आखिरी सांस से गिनता हुआ एक लवेबल बेटा, उस बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती हुई एक बहादुर माँ और इमोशनल फैमिली ड्रामों का दीवाना हमारा मीडिया। आई थिंक जोर का झटका देने से लगे, राइट? तुमने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। टाइम थोड़ा कम है ना। मैं तेरी जिंदगी बड़ी बनाऊंगी, प्रॉमिस। तूने तो मुझे जीना सिखाया है, सुपरमैन की तरह, सॉरी आर्नोल्ड की तरह। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सलाम वेंकी का ट्रेलर हुआ आउट, इमोशन से भरपूर। काजोल अब ऐसी मूवी सिलेक्ट कर रही हैं जो कि दर्शकों से सीधे कनेक्ट कर सके। तो वहीं चिल्ड्रन डे के मौके पर काजोल की इस मूवी का ट्रेलर सामने आ चुका है। बीमार बेटे के इर्द गिर्द घूमती माँ की इस फिल्म का ट्रेलर इमोशन से भरा हुआ है और इसका हर डायलॉग खास लग रहा है, जो कि दिल के किसी खास कोने में माँ और बेटे के रिश्ते को उजागर कर रहा है। ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि एक बीमार बेटे पर है जो अपनी मौत से जंग लड़ रहा है। इस जंग में उसकी माँ हर कदम पर उसका साथ दे रही है। फिल्म में राजेश खन्ना का एक मशहूर डायलॉग भी है जिसमें काजोल का बेटा कहता है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। पूरे ट्रेलर में काजोल छाई हुई है। काजोल की दमदार एक्टिंग साफ देखी जा सकती है और इसी फिल्म के ट्रेलर में काजोल के साथ विजाल जेतवा और आमिर खान की भी एक झलक दिखाई गई है। सुजाता और उसके बेटे की कहानी श्रीकांत मूर्ति की एक किताब से ली गई है। कुल मिला के इस मूवी की कहानी बहुत ही जानदार होने वाली है। जो लोग क्लास और इमोशनल और मोटिवेशनल मूवी पसंद करते हैं उनके लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी होने वाली है। मूवी में इमोशन और मोटिवेशन के साथ एक इंस्पायर्ड ट्विस्ट भी है जो कि हमें फिल्म को देखने के बाद ही पता लगेगा। ये मूवी 9 दिसंबर 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है। आपकी इस मूवी के ट्रेलर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के बारे जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।